आज मेरा रेसिपी है काला दाल और स्नेल। स्नेल को बहुत अलग अलग तरह के भी बना के खाता है, कोई तेल खाता है, कोई खार भी खाता है। मैं आज आप लोगों को खार से बना के दिखाएगा मेरे तरीका से, जो जैसा मेरे को पसंद है वो तरीका से मैं आज आप लोगों को बना के दिखाएगा। उसके लिए जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके लिए हम लोगों को क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए चलो आप लोगों को दिखा। इंग्रेडिएंट में है, ये है हरा मिर्च मैंने काट के ले लिया, और ये है अदरक मैंने इसको भी कूट के ले लिया, और इधर है काला दाल मैं इसको एक घंटा पहले भिगा के रख दिया था, और ये है पेरी पिल का स्नेल। बहुत अलग अलग तरीका का स्नेल होता है, ये खाने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैं काला दाल को बिठा लेगा कढ़ाई में। देखो मैंने काला दाल को बिठाई दिया कढ़ाई में, और उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर देगा स्वाद के हिसाब से, और थोड़ा सा अभी हाई फ्लेम में रखे काला दाल को उबाल आने देगा थोड़ा टाइम। तब तक के लिए मैं इसको एक साइड में कढ़ाई में पकाएगा। तो एक साइड में मैं कढ़ाई बिठाई दिया, अभी मैं इस ये पेडीफिल का स्नेल को इधर में डाल देगा, क्योंकि इसको धो के रखा था तो इसका थोड़ा और पानी निकालेगा, उसको सुखाएगा मैं। जब इसका पानी सूख जाएगा ना अच्छे से, तभी अलग सा खुशबू आता है, क्योंकि ऐसे सब्जी में डालने से ना वो गन होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा टाइम पानी सूखने तक इधर में रख देगा पकाएगा इसको। ऐसा मेरा तरीका है, मेरा खुद का स्टाइल है, जैसा मैं खाती हूँ वैसा आप लोग को दिखा रही हूँ। इसको अभी पानी सूखने तक रखेगा मैं इसमें, मतलब बीच बीच में देखेगा इसको। देखो हम लोग का काला दाल भी बहुत अच्छा उबाल आ गया। देखो जब ऐसा बबल्स निकलता है ना इसको फेंकने पड़ता है, मैं इसको फेंक देगा। देखो अच्छा खा गया, और एक साइड में भी देखो हम लोग का ये पानी निकल रहा है, मैंने बोला था ना ये स्नेल का, इसको पानी को पूरा सूखने देगा मैं। अभी मैं इसमें काला दाल में जो मैंने ये अदरक कूट के लिया था उसको ऐड कर देगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और हरी मिर्च भी ऐड कर देगा। बस हो गया, अभी मैं इसमें हम लोग का एक ठू सीक्रेट इन्ग्रीडियंट ऐड करेगा। अब ये रहा, ये है ऑर्गेनिक सोडा या खार भी बोलते हैं इसको। अभी मैं इसको ऐड करेगा काला दाल में। ये बनाना स्टेम से बनता है और रूट से भी बनता है ये ऑर्गेनिक सोडा, बहुत अच्छा होता है। अभी मैं इसको डाल देगा सब्जी में, और आज हम लोग का सब्जी में कोई तेल मसाला कुछ भी नहीं जाएगा, खाली यही जाएगा सोडा। देखो ऐड कर दिया मैंने, और थोड़ा सा ऐड करेगा हो जाएगा। अभी मैं काला दाल को पकने के लिए रख देगा, और एक साइड में भी स्नेल को मैं पानी सूखने के लिए रख रहे। देखो हम लोग का स्नेल का पूरा पानी सूख गया, अभी मैं इसको बंद करके रख देगा। देखो पूरा सूख गया पानी, ऐसा सूखाना चाहिए तभी इसका कच्चापन का स्मेल नहीं होता है सब्जी में डालने से भी। देखो पूरा हो गया, अभी मैं इसको बंद कर देगा, और एक साइड में देखो हम लोग का ये काला दाल पका के नहीं, एक ठू में निकाल के छू के देखती हूँ पूरा नरम हुआ कि नहीं। नरम नहीं हुआ, थोड़ा टाइम और रखना इसको, जब नरम होगा उससे मैं फिर से आप लोग को दिखाएगा मैं। देखो हम लोग का काला दाल भी बहुत अच्छे से उबाल आ गया, ऑलमोस्ट पक भी गया, नरम हो गया। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मैश कर देगा इससे। देखो बहुत अच्छे से मैश हो रहे हैं, बहुत अच्छे से मैश भी हो गया, अच्छे से पक भी गया। अभी इसमें बस ये स्नेल ऐड करना है। देखो मैं ऐड कर देगा, देखो बस हो गया। अभी और इसको अच्छे से उबाल आने देगा, 5 मिनट रखेगा हाई फ्लेम में इसको उबाल आने तक। देखो हम लोग का सब्जी भी पक गया,
देखो बहुत अच्छे से पक गया। अभी मैं अगर मेरे पास धनिया होता था तो मैं इसको गार्निशिंग कर रहा था, फिलहाल मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं रख देती हूँ इसको बंद करके। और ये स्नेल बहुत जल्दी पक जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने ऑलरेडी इसको पका के भी रखा था इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको पकाने के लिए। बस हो गया, इसको मैं बंद करके अभी रख देगा और आप लोग को थोड़ा देर के बाद टेस्ट करके दिखाएगा। ये गरम गरम मैं खा नहीं सकेगा तो इसको थोड़ा ठंडा होने देगा, उसके बाद आप लोग को टेस्ट करके दिखाएगा। तो मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसा बना। आज मेरे को फ्री का किस मिलेगा स्नेल का सर। बहुत टेस्टी है, और खा के दिखाया मेरा फ्री का बॉयफ्रेंड आज का। ये स्नेल आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है, आप लोग भी बना के खाइए। ये सब्जी का साथ भी बना के खा सकते हैं, अलग अलग सब्जी का साथ, जैसे हो गया कद्दू या दाल का साथ भी बना के खा सकते हैं, आलू का साथ भी बना के खा सकते हैं। आप लोग को जैसा अच्छा लगे वैसा आप लोग बना के खाइए। और ये तेल से भी बना के खा सकता है, लेकिन आज मैं इसको खार से बनाया ऑर्गेनिक सोडा, इससे भी बहुत अच्छा बनाए। अगर आप लोगों को मेरा रेसिपी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।